नीलम नीता, क्या कह रहे हो? तुम परेशान क्यों हो गए हो? मेरा शहजादा बन गया। बिल्कुल वैसी खुशबू है। ओए होए होए, उसके बच्चे पैदा हुए, फिर जब उसके बच्चे हुए ना, मामा की भी थी इतनी प्यारी सी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मामा की इतनी प्यारी बेटी, माशद के और एक्शन, मामा वीडियो बना रही है तो और एक्शन दिखाने हैं बेटी ने। गुगी गुगी, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेला पीता, क्या कह रही हो आप? क्या कह रही हो कायली? आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो ना? बलोनी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आटा गूंद रही थी, मैदा और गंदम का आटा मिक्स करके, और मैंने आज इसके बल वाले पराठे बनाने थे। वो क्यों बनाने थे वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। ये सब इतने परेशान क्यों हो गए हो चाची? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। वो देखो क्या हो रहा है फुजैल, ऐसा करो डस्टबिन उठा के बाहर ले जाओ। वो देखो ये सबसे पहले, ये इतनी ना, इसने पता है आज भी क्या किया? ये चली जाती है अंदर, इससे मैं लाख चीजें बचा लूँ ना, ये कहीं ना कहीं से ना कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेती है खाने के लिए। और मुझे इतना डर लगता है ना जब से मिनी की डेथ हुई है कि फिर ये कुछ ऐसा वैसा ना खा ले। जब बहुत मैं इससे चीज़ें बचाती हूँ, कोई मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, लेकिन ये पता नहीं मैडम किस पे चली गई हैं, इसने तो मेरा ना बस जीना हराम किया हुआ है। साशी, अब आप देखें साशा वगैरह नहीं खा रहे हैं, लेकिन ये इसको तो पता नहीं क्या कुछ इसने कचरा खाना अच्छा, होता इसको है। कैद कर देते हैं। नहीं खोल दो, इसको बाहर निकाल दो। मफिन मफिन बेटे, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा तो अंदर घुसकर ना पता नहीं क्या कुछ खा रही थी, इससे ना मुझे डर ही लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो पहले हुआ वही मिसहैप दोबारा ना हो जाए। कैट्स पालना ना मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल काम है ये। देखिए अभी यहाँ डस्टबिन रखिए और फिर चेक करिए कि क्या है ये। अच्छा तरद्दुद से ना ऊपर अंदर जाके पूरी तलाशी लेती है कि इसके अंदर क्या डाला हुआ है। एक तो इस लड़के को बहुत गुस्सा आता है, इस छोटे मैक्स को। अभी आज मैंने जी खाने में क्या बनाया हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जरा फजैल निकालोगे? मैंने सालन बना कर ना यहाँ पे ऊपर कैबिनेट में रखा हुआ है। तुम कैमरा लेके आती तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। अच्छा क्या निकालना है? यहाँ से सालन निकालो, इसमें ये सालन निकालो। ये बन भी गया? आपको पता ही नहीं है? ओ, मुझे पता ही नहीं। ये गिरेगा, वरना तो मैं कब का खा लेता। ये तो बिल्कुल जैसे बाजार से नहीं चने मिलते, बिल्कुल वैसी खुशबू है। ओए होए होए, ये देखें जी, ये मैंने चने बना के रखे हुए हैं। और पता है इसके साथ मैंने आज क्या बनाना था? मैंने अभी वो आटा गूंदा है ना, मैंने मैदा और गंदम का आटा मिक्सर के इसके क्रिस्पी से कुरकुरे पराठे बल वाले बनाने थे, और ये चने बड़े मज़े के बनते हैं। लेकिन मामा के नहीं चले जाते हैं, मामा की कॉल आ गई है कि यहाँ ना रखो, इसको फ्रिज में रख दो। ये तो फिर ज्यादती है, ये तो बहुत मजा आता है। फिर मामा की कॉल अभी आई है कि आ जाओ, मैंने चने वाले चावल बनाए हैं, वो खा लो। तो चलो फिर इसको हम ऐसा करते हैं कि सुबह नाश्ते में खा लेंगे। बंकी जी के मुंह में ऐसे पानी आ रहा है। आपके लिए तो कुछ नहीं था,
बकी आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, आपको खाना मिल जाएगा। बकी की ना आवाज नहीं निकलती। बकी ओ इतना मुंह में पानी आ रहा है मेरे शहजादे के, मेरा शहजादा बकी। बकी माशाल्लाह से 1 ईयर प्लस हो गए, लेकिन पता है मुझे बकी की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता। अच्छा आपको आज मैं बताती हूँ कि बगी हमारे पास कहाँ से आया और बगी की स्टोरी क्या है। बगी जो है ना हमारे मफिन का बेटा है, और मफिन का बेटा ये कैसे, ये हमारे ना एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, फुजैल के फ्रेंड थे, तो उनका था, उनकी एक कैट थी, वो हमारे पास आई, मफिन से वो मेट हुई और फिर उसके बच्चे पैदा हुए। फिर जब उसके बच्चे हुए ना, तो यहाँ भी इनका प्यार देखें, जब उसके बच्चे हुए तो उसमें से जो बेटी थी ना वो भी मफिन की ही बेटी थी। फिर जब वो बड़ी होगी वो हीट पे आई, वो भी उन्होंने हमारे पास भेज दी। वैसे हम लोग ये काम नहीं करते, मेटिंग नहीं कराते, लेकिन उनके साथ हमारी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी ना तो हम उनको नहीं मना कर सकते थे। खैर फिर मफिन की बेटी निंजा ही मफिन के पास आई, उसकी आवाज़ें सुने, उसका नाम निंजा था। फिर वो मफिन से मेट हुई, और जब वो हुई तो फिर उसने ना ये हमारा बगी पैदा किया। और जब बगी है ना पैदा होने वाला था तो उससे कुछ टाइम पहले ही डोरा की डेथ हुई थी, उसके बाद हमारा बगी पैदा हुआ। और जब बगी 1 मंथ का हुआ तो उनके बच्चे लेकर आए मेरे पास दिखाने के लिए कि आप आंटी देखें ये मेल है या फीमेल है। जैसे ही मैंने इसको देखा, ये 1 मंथ का था और मुझे ये इतना प्यारा लगा ना, मेरा इस पे दिल आ गया था। तो उन्होंने जाके अपने घर अपने पेरेंट्स को बताया, और उसके आई थिंक 2-3 दिन के बाद ही वो मेरे पास लेकर आ गए कि ये नहीं, ये हमारी तरफ से आप रख लें, आपके लिए गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो मदर जो है वो उन्हीं के पास है, और बगी के फादर जो हैं वो हमारे मफिन साहब हैं। अब लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि मफिन इस तरह के बच्चे कैसे पैदा कर सकता है, तो ये मफिन की जीन्स में है। मफिन ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, इस तरह के बच्चे मफिन जो है ना वो पैदा करता रहता है। ये है हमारे बगीरा की स्टोरी, लेकिन मुझे बगीरा की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, मैं उनसे पूछूंगी, बट ये मोर देन अ ईयर हो गया है। बगी की डेट ऑफ बर्थ पूछूंगी, फिर इंशाल्लाह हम जब इसकी सेकेंड बर्थडे आएगी फिर हम वो भी सेलिब्रेट। और एक जो है ना क्रिटिसिज्म किया जाता है मेरे चैनल पे, बहुत ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है डेली बेसिस पे हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, वो लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, पुरानों को तो पता ही है मेरा। वो ये कहते हैं कि हम लोग इंसानों की तरह ना कैट्स में भी काले और गोरे का फ़र्क करते हैं, इसलिए मैंने अपने घर में सारी ही वाइट कैट्स रखी हुई हैं। तो जनाब मैंने इनको कहीं से परचेज नहीं किया, ये मेरे मफिन के बच्चे हैं। अब मफिन वाइट है तो मफिन के बच्चे वाइट ही होंगे ना, क्या बात करते हैं। और मफिन के बाल बड़े हैं तो बच्चों के भी तो बड़े होंगे ना, स्ट्रे कैट्स तो नहीं पैदा होंगी घर में। हमने तो एक मफिन लिया था, मफिन से आगे नस्ल बढ़ती गई और इतने सारे पैदा हो गए। तो हम कल रात को हमने मीनू को ट्रीट दे दी थी, है ना मीनू? मीनू आपने कल कितना एंजॉय किया था, है ना? ये क्यों मार रहे हो उसको, क्यों मार रहे हो? मिनो आप मुझे एक बात बताओ, आपको मजा आया था जो ट्रीट आपको मिली थी? देखो उसको इतना मजा आया था कि जुबान पे एक और क्वेश्चन किसी का कल आया था, मुझे ना कमेंट ही आया था कल की वीडियो पे कि आप ही मिनी की तो डेथ हो गई है तो आप इसको मिनी क्यों कह रहे हैं। तो ये हमारी बड़ी मिनी है, छोटी मिनी बिल्कुल इसके जैसी थी, इसलिए मैंने उसका नाम फिर असल में असल मिनी तो हमारी ही है, वो तो दूसरी मिनी थी, वो इसकी कॉपी थी, वो इसकी डिटो कॉपी थी। पहली बड़ी मिनी ये, इसकी वजह से हमने उसका नाम रखा था, और उसको वो भी अपने नाम से ना वाकिफ थी मिनी नाम। अब बहुत सारे लोगों को ये भी कंसर्न्स होते हैं कि आपकी कैट शेल्फ पर चढ़ रही हैं, कुकिंग कैसे करती हैं, ये वो। एक तो पहली बात ये कि मेरे बच्चे बिल्कुल क्लीन है, किसी दिन इनकी मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी, उठते ही इनके जो है ना हाथ जो है वो क्लीन किए जाते हैं, वॉश कराए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने अपनी शेल्फ को जब भी कुकिंग करनी है तो मैं इनको डिसइंफेक्ट लाजमी करती हूँ। आप अभी भी देखें कितना क्लीन किचन है, और उसके लिए मैं बाज़ार के क्लीनर्स भी यूज़ करती हूँ, और मैंने घर का जो DIY क्लीनर बनाया होता है जिसमें सोप, लिक्विड सोप होता है, विनेगर होता है, मीठा सोडा होता है, बेकिंग सोडा और पानी होता है, तो वो बहुत अच्छी तरह से ना स्टरलाइज कर देता है। सो प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखा जाता है, बल्कि मुझे लगता है कि मैं आम लोगों से ज़्यादा वहमी हूँ सफाई में। इनके हम दो पाँव जो चारों पाँव हैं वो धुलवा देते हैं सपोर्ट से, अच्छी तरह वॉश कर देते हैं। हमने अपनी पूरी लाइफ अपने इन बच्चों के लिए ना वक्फ कर दी है ना बगी।
ना इनकी वजह से हम कहीं जाते हैं ना फिरते हैं और दिल भी नहीं करता, दिल भी नहीं करता अगर जाएं भी ना। परसों भी हम डिनर करने गए हैं तो मुझे था कि बस मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊं, मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे। अब आते हैं और कैमरे से ना प्यार लेते हैं, सूंघते हैं और फिर चले जाते हैं। तो बस जी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिस बलोनी ये बैठी हुई हैं, आपको सबको बलोनी के बर्थडे का बहुत इंतजार है, वो बस बहुत जल्दी अब इंशाल्लाह हो जाएगी। और बलोनी की बर्थडे की जो थीम है वो आप लोग गेस करें मैंने इस दफा क्या रखी है। पिछली दफा नूर की यूनिकॉर्न थी, इस दफा देखें क्या रखी है। आप हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वहाँ पे भी जाके वीडियोस देखा करें, अगर वहाँ पे भी देखेंगे तो मोटिवेट होंगे, हम दोबारा न्यू वीडियो डेली अपलोड करेंगे। और ये देखिए जी, और इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारी ना बिल्कुल साशा बिल्कुल मिनी जैसी है, बिल्कुल इसका ना ये काले रंग का ये स्पॉट छुप जाए तो बिल्कुल मिनी लगेगी ना, ये गायब हो जाएगा। हाँ, अल्लाह ने इसे भी नई जिंदगी दी थी माशाल्लाह से। ये मफिन तुम इतना प्यार क्यों कर रहा है पांव पे? आज ना मैंने ये सारे सोफे जो है ना ये भी क्लीन किए थे, बड़ी मेहनत की थी आज इन पर। वैसे तो मैं इनको बहुत जल्दी इनकी न्यू पोशिश करवाने वाली हूँ, कुशंस भी क्लीन करके ऊपर छत पे रखे हुए हैं। वैसे करो ड्राइंग वाले सोफे इधर ले आओ, उधर ले जाओ। नहीं इनकी पोशिश करनी है अब नहीं, जल्दी करूंगी, लेकिन फिलहाल इनको साथ साथ क्लीन करना भी जरूरी है। तो बस बिल्कुल ब्रांड न्यू सोफे हैं। हाँ तो बस आज के व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जरा पीछे कैमरा घुमाइएगा, ये देखिएगा, पकड़ लो इसको, हमें इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये मैडम को जरा, मैडम को ना, आप क्या कर रही हो अंधेरे में? इस मैडम को भी उसे कुछ मिल नहीं रहा अंदर से, बार बार आती है सूंघ के चली जाती है। मिनी चले जी, अल्लाह हाफिज़।